आज दिनांक है 11 मई 2019 और कल यानी 12 मई 2019 को पांचवें चरण का लोकसभा मतदान होना है। और ये जो कुछ कर्मचारी हैं जो चुनाव में ही लगे हुए हैं, ये मुलतान ग्वालियर के रहने वाले हैं और इन सारी बसों पर कहीं ना कहीं के जो कर्मचारी हैं लगे हैं, लेकिन न तो इन लोगों को कोई इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट दिया जाता है, न कोई अन्य वैधानिक कागज दिया जाता है जिससे ये लोग अपना मतदान कर सकें। तो इस प्रकार से लगभग यहाँ अकेले श्योपुर में कितने लोग होंगे जो बाहर के हैं, बसों पे हैं? कम से कम 500 से 1000 लोग होंगे ऐसे। तो कुछ नहीं देते ऐसा आपको? कुछ नहीं। आप कहाँ के रहने वाले? ग्वालियर के। और मतदान भी कल है वहीं पे? लेकिन कोई कागज मिला है आपको? नहीं। दिन आप कहाँ से भाई साहब? ग्वालियर। हाँ, कोई कागज मिला है मतदान के लिए? तो मतदान नहीं होगा आपका? आपका भाई साहब? तीन दिन से वो सब ठीक है, अपन तो मतदान की बात कर रहे हैं। कुछ कोई कागज नहीं मिला? रहने वाले कहाँ के? शिवपुरी के रहने वाले। मतदान भी कल ही है साथ में? तो आपकी बस पे ड्यूटी है? बस पे ड्यूटी है सबकी। बस पे सभी, आप सभी की बस पे ड्यूटी? पूरे ड्राइवर है सारे, आप लोग ड्राइवर लोग हैं और ड्राइवर है। तो आपने मांग नहीं की कैसी कोई ऐसी? मना कर दी मैंने। क्या बोला? की कोई खाना माना कोई व्यवस्था नहीं आप? नहीं, खाना वगैरह ठीक बात है, कोई वो आप होटल पे खा सकते हैं और अन्य दिन की तरह, लेकिन मतदान का क्या कहा? कुछ भी नहीं किया। मैं तो छक्का समझ लिया ड्राइवरों को, छक्का करते हैं जब भी कोई सुनवाई होती है। आपने मांग करी ऐसा? कोई आवेदन दिया? कोई लिखा आवेदन? कोई पहले दे आवेदन, मीटिंग करी थी जो कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी नहीं दिया कोई सुनवाई नहीं। तो ये जो बसों का स्टाफ है उनकी व्यथा है कि उनका मतदान कहीं भी नहीं हो पाता है। अभी नहीं है, कहीं भी नहीं हो पाता है। वैसे लगभग पूरे प्रदेश में देखे जाए तो उनकी संख्या लगभग 50 से 60 हजार में बैठेगी, लेकिन इनका कहीं कोई मतदान नहीं हो पाता। नहीं सर, इनकी कोई ड्राइवर लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोगों ने मना कर दिया कि कहीं वोट डलेगा तुम्हारे, अब ऐसे कैसे वोट डालेंगे? हां तो मतदाता पहचान पत्र की मां चुप जाएगी, वोट डलेगा कोई नष्ट।